Good morning, students. I am Neetham, your SST teacher, and today we will discuss about the chapter number 7 of history, great thinkers and growth of new ideas. Students, in this chapter we will discuss about the later Vedic period. हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, जो महान थिंकर्स थे, जो अच्छे दार्शनिक थे और उनके कुछ अच्छे आइडियाज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। देखिए, लेटर वैदिक पीरियड का मतलब होता है बाद का, मतलब जब हम लोगों ने वैदिक काल पढ़ा था तो उसमें देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि वैदिक काल को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको ऋग्वेद वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, और सेकेंड वन वॉज द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है ना। बाद का जो वैदिक काल था उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखिए पढ़ते हैं उपनिषद के बारे में, ठीक है ना। तो उपनिषद इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों के पढ़ेंगे, मतलब जो लेटर वैदिक पीरियड है, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उपनिषद, है ना, बुद्धिस्म, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। उपनिषद का मतलब होता है, उपनिषद मीन्स टू सिट नियर द टीचर और गुरु, मतलब कि गुरु के समीप, गुरु के पास बैठ कर ज्ञान लेने वालों को, ज्ञान लेने को उपनिषद कहा जाता था। होता क्या है कि पहले के समय में जो स्कूलिंग सिस्टम थी, गुरुकुल सिस्टम होता था, वहाँ पर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते थे, ठीक है, वो गुरु के जो ज्ञान दे रहा है उसके चरणों में बैठकर ज्ञान लिया करते थे, जिसको हम बोला गया उपनिषद, ठीक है। अब होता ये है कि ये जो उपनिषद है, ये लगभग 7th to 9th century के आसपास कंपोस्ट किए गए, ठीक है। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि ये 7th to 9th centuries के आसपास कंपोज किए गए थे। और वैसे तो उपनिषदों की संख्या अगर देखी जाए तो 108 है, मतलब कि 108 उपनिषद हैं, लेकिन इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो मोस्टली लोग जानते भी हैं उनके बारे में। तो वो है जैसे कि आपका कथा उपनिषद, ईसा उपनिषद, केन उपनिषद, मुंडका उपनिषद, है ना, द्वैताम्बरा उपनिषद, द प्रश्ना उपनिषद, मुंडकाय उपनिषद, आरे उपनिषद, है ना, ये कुछ ऐसे, जैसे त्रैत्रेय उपनिषद है, छांदोय उपनिषद। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे उपनिषद हैं जो बहुत फेमस हैं, जिनके बारे में लोगों को जानकारी है, जो मोस्टली लोग इनके बारे में जानकारी रखते हैं। अब होता क्या है कि ये उपनिषद में है क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, ये बेसिकली ये जो बुक है, ये एक फिलॉसफी और स्पिरिचुअल लर्निंग पर आधारित है। इस फिलॉसफी और स्पिरिचुअल लर्निंग का मतलब ये है कि इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से इंसान ये जो जीवन चक्र है, इससे मुक्ति पा सकता है, जीवन और मृत्यु का जो ये जो साइकिल चल रही है, इस साइकिल से बाहर आ सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी आपको दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं बौद्धिस्म के बारे में। तो देखिए, बौद्धिस्म मतलब कि बुद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म का सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था बौद्ध धर्म को, तो सब लोग जानते हैं गौतम बुद्ध ने स्टार्ट किया था। ये लुम्बिनी में, जो कपिल वस्तु के पास में लुम्बिनी है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था अराउंड 563 BC के आसपास, और ये शाक्य गणराज्य में पैदा हुए थे, ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं कि इनके बचपन, ये देखिए एक राजा के पुत्र थे, ठीक है, मतलब एक राजा के पुत्र थे, बहुत लग्जरियस लाइफ थी इनकी, एक विलासतापूर्ण जीवन जीते थे। और इनकी जो शादी हुई थी वो यशोधरा नाम का एक राजकुमारी के साथ इनकी शादी हुई थी। इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल, ठीक है। लेकिन बाद में इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी समाज में जिनसे इनका बहुत मन दुखी हुआ। जैसे इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, तो इनको ये लगा कि यार हर व्यक्ति को बाद में क्या ऐसी अवस्था में आना होता है,
एक मतलब शरीर को देखा है ना, तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी, तो उन्हें ये लगा कि इस जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट है, तो वो बहुत दुखी हुए और बाद में उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद जब उन्होंने घर छोड़ा तो लगभग उनकी एज 29 ईयर्स थी, लगभग 29 साल की एज में इन्होंने गौतम ने घर छोड़ दिया सत्य की तलाश करने के लिए, मतलब कि जो ट्रुथ है उसको सत्य को खोजने के लिए। तो इस घटना को, इनके घर छोड़ने की घटना को कहा गया महाविनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 6 साल तक ये इधर उधर भटकते रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहे, यहाँ वहाँ करते रहे। फिर बाद में ये गया है, गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये बुद्ध कहलाए, मतलब बोध हो जाना किसी चीज का, किसी को ज्ञान हो जाना, इलाइटमेंट जिसे बोला जाता है। ठीक, और जो वो वृक्ष था वो बोध वृक्ष उसको कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बोध वृक्ष। और जिस स्थान पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस स्थान को बोध गया कहा गया। क्या कहा गया? बोध गया। ठीक है ना, ये बिहार में पड़ता है, आप जानते भी होंगे, हमारे यहाँ बहुत ही उत्तर में भी बहुत से लोग इतर के महीनों में जाते हैं, गया जाते हैं, वहाँ पे पुत्रों को शांति। तो गौतम बुद्ध ने कौन कौन से टीचिंग्स थी, कौन कौन से उनके प्रवचन थे, तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए, जो व्यक्ति है वो चार, उन्होंने चार सत्य बताए थे कि उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना, द फोर नोबल ट्रूथ्स जिसको हम लोग आर्य सत्य भी कहा करते हैं, उन्होंने उसको बताया था। उन्होंने ये भी बताया था कि इंसान के जीवन में बहुत दुख है, उस दुख का मतलब दुख है, दुख का कारण, कारण के बाद उसका निवारण, और उस निवारण को पाने का रास्ता क्या है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि देखिए, मनुष्य के जीवन में दुख है, पहला बात। फिर उस दुख का कारण क्या है, किस कारण से उसको दुख है, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि जो निवारण है वो निवारण क्या है ना, और वो जो सोल्यूशन है, जो निवारण है, उसको पाने का रास्ता क्या है। ठीक है, ये सब बातें उन्होंने बताई थी। उन्होंने ये भी बताया कि इंसान को ना बहुत लग्जीरियस लाइफ जीनी चाहिए, ना बहुत ही रिगिड लाइफ जीनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सफ़र भी नहीं करना चाहिए, बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए किसी की। ठीक है ना, और उन्होंने मोक्ष और निर्वाण के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं, एक संतुलित जीवन जीते हैं, वो मोक्ष को और निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। तो उन्होंने लगभग 483 BC के समय में, लगभग उनकी एज समय 80 ईयर्स की थी, 80 साल की उम्र में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। ठीक है ना, और वो स्थान था कुशीनगर, कुशीनगर इसमें उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो वहाँ पर 80 साल की उम्र में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। अब बात करते हैं सिपरेशन के। तो जो जो गौतम बुद्ध थे, जो बौद्ध धर्म था, तो बौद्ध धर्म की मृत्यु के, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद वो दो भागों में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है, दो भागों में बट गया, एक को हीनयान कहा गया, दूसरे को महायान कहा गया। अब बात करते हैं इनकी मॉनेस्ट्रीज के बारे में, या स्तूप्स जो इन्होंने इनके बाद बनाए गए थे, इनके समय में भी कुछ बने थे, तो उनके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, कुछ बहुत फेमस मॉनेस्ट्रीज हैं, जैसे कि लर्निंग के लिए लर्निंग सेंटर्स थे उस समय, जैसे कि नालंदा हो गया, तक्षशिला है ना, सारनाथ है। ये क्या है, ये बहुत फेमस है, आज के समय में सब लोग जानते हैं नालंदा के बारे में, तक्षशिला के बारे में। फिर इनके स्तूप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो स्तूप एक तरीके का डोम का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर जो इस तरीके के स्ट्रक्चर होते थे उनको स्तूप्स कहा गया। ठीक है, और ये ज़्यादातर आपको मिलेंगे सांची में, आपको मिल जाएगा इस तरीके के स्तूप देखने के लिए। अगर इनके चैट्स के बारे में बात किया जाए, तो इस तरीके के चैट्स अजंता में मिलते हैं, एलोरा में मिल जाएंगे, एलिफेंटा है आपका, केरल है, नासिक, औरंगाबाद, इन इलाकों में इनके चैट्स मिल जाएंगे,
जहाँ पर लोग रहते थे पहले और वहाँ पे रहकर अपना जीवन भिक्षुक जो जो उनके थे मानने वाले फॉलोवर्स वो रहकर वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करते थे और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो देखिए, जैन धर्म को जिन्होंने स्थापित किया, जिन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, तो जैन धर्म वॉज फाउंडेड बाई द वर्धमान महावीरा एस बाजी गणराज्य, और इनका जन्म लगभग 540 BC के आसपास हुआ था, ठीक है ना। अब ये वैशाली में इनका जन्म हुआ था जो बिहार में पड़ता है, ठीक है। अब इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और 12 वर्ष तक इधर उधर करने के बाद, कठिन तपस्या के बाद, इनको बाद में सत्य का ज्ञान हुआ। जब सत्य का ज्ञान हुआ तो फाइनली ये कैवल्य की को जब प्राप्ति हुई तो ये जिन कहलाए। जिन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको सत्य का ज्ञान हो चुका हो, मतलब कि जो समाज में जो सोशल जो लोगों के सफर्स हैं, जो कष्ट हैं, उन सबसे ऊपर उठ जाना, इन सब के प्रश्नों को उत्तरों प्रश्नों के उत्तर जो हैं उनको प्राप्त कर लेना, ठीक है, तो वो जिन कहलाए। फिर अगर तीर्थंकर के बारे में बात करें, ठीक है, जो जैन धर्म, तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक होते थे उनको तीर्थकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थकर। अब महावीर जो थे, महावीर वास्तव 24th एंड द लास्ट तीर्थकर ऑफ द जैन धर्म, मतलब कि जो जैन धर्म है उसमें महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थकर माने गए हैं, ठीक है। आखिरी तीर्थकर महावीर स्वामी थे और यही लास्ट थे, क्योंकि इसके बाद महावीर स्वामी के बाद ये जो जैन धर्म है ये दो भागों में बट गया था। पहला जिसको श्वेतांबर बोला गया और दूसरा जिसको दिगंबर बोला गया। श्वेतांबर वो लोग माने जाते हैं जो लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, जो सफ़ेद कपड़े पहनकर घूमते थे उनको श्वेतांबर बोला गया, और दिगंबर उन्हें बोला गया जो वस्त्र नहीं पहनते थे, ठीक है, वो क्या हो गए, वो दिगंबर हो गए। बाद में 72 ईयर्स की एज में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया पावापुरी में। निर्वाण प्राप्त करने का मतलब है इन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया था। क्या किया? जीवन को त्याग दिया, मतलब शरीर को त्याग दिया था। तो वो मृत्यु को, निर्वाण को प्राप्त हुए। अब महावीर की टीचिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, टीचिंग्स ऑफ द महावीरा। महावीरा बिलीव दैट द अटेन द एनलाइटमेंट एंड द अनलिमिटेड द डिस्पेशन ऑफ द साउल फ्रॉम एट द कार्मिक बाउंडेशन। कार्मिक बाउंडेशन का मतलब होता है कि जो साइकिल होती है, द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड द डेथ, मतलब कि बार बार जो पुनर्जन्म की जो चीज़ें हैं, इस बार जन्म हुआ फिर इसके बाद फिर जन्म होना, तो इन सबसे मुक्ति पाने का उन्होंने तरीका क्या बताया था? निर्वाण की प्राप्ति, ठीक है ना। जैसे कैवल्य की प्राप्ति, ऐसे ही निर्वाण की भी प्राप्ति बताया। अब अगर बात करते हैं इनके जो त्रिरत्न थे, इन्होंने तीन रत्न बताए थे, त्रिरत्न। अकॉर्डिंग टू द महावीरा द गोल ऑफ द लाइफ कैन बी द अचीव्ड थ्रू द त्रिरत्न ऑफ द थ्री ज्वेल्स, मतलब चाहे त्रिरत्न कह लीजिए चाहे थ्री ज्वेल्स कह लीजिए, रत्न मतलब ज्वेल्स हो गया, ठीक है, वैसे स्टोन्स कहा जाता है लेकिन यहाँ पे ज्वेल्स वर्ड यूज किया गया है। कौन कौन से थे, उन्होंने क्या बताया, द राइट बिलीफ, द राइट नॉलेज एंड द राइट एक्शन, ठीक है। ये तीन उनके रत्न जिनके द्वारा उन्होंने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं महावीर स्वामी के कुछ उपदेशों के बारे में, जैसे कि ही डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम एंड द टॉट इक्वालिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, मतलब कि वो किसी भी प्रकार के कास्टिज्म पे विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने सभी मनुष्यों को समान माना और सबको समान उपदेश दिया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोग लेटर वैदिक काल में अभी तक पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, बट इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, देन यू कैन आस्क मी। टिल देन, बाय बाय।